श्रम कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश की ओर से मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति को मंडी जिला में मजदूरों के पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी कड़ी में मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति के कार्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विकास खंडों के करीब 40 स्रोत व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला श्रम अधिकारी प्यारचंद साहू ने 2 सत्रों में मजदूरों के पंजीकरण और पंजीकरण के बाद मिलने वाली सुविधाओं के बारे में स्रोत व्यक्तियों को विशेष जानकारी दी। मंडी साक्षरता समिति द्वारा आयोजित कार्यशाला के संयोजक एनआर ठाकुर ने बताया कि पहले चरण में धर्मपुर और द्रंग विकास खंडों में 7 फरवरी से 23 फरवरी तक पंचायत स्तरीय पंजीकरण जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्रोत व्यक्तियों द्वारा श्रमिक कल्याण बोर्ड की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और मजदूरों के पंजीकरण बारे में भी बताया जाएगा। आज यहाँ मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति की तरफ से 2 दिन की कार्यशाला जो है वो रखी गई है, और कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है वो हिमाचल श्रमिक कल्याण बोर्ड की तरफ से मजदूरों की जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से की जाए, कैसे की जाए, और उसके अंतर्गत आने वाले जो सुविधाएं हैं या जो आर्थिक लाभ हैं उन लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी अच्छी योजनाएं हिमाचल सरकार द्वारा और श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा वंचित वर्ग के लिए जो है वो चलाई गई हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन योजनाओं का या तो ठीक तरीके से जनता तक जो है वो पहुंचाने का जो तौर तरीका है वो कहीं गड़बड़ाया है, ठीक से पहुंच नहीं पा रही हैं, या भ्रमित होकर के या गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से लोग जो हैं वो इन लाभों से वंचित हैं, और समाज के सही मायने में ये अंतिम छोर पे खड़े हुए लोग हैं, बहुत गरीबी से जो अपना जीवन यापन करते हैं, 2 जून की या 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत जदोजहद है, और इनके कल्याण के लिए इतनी अच्छी योजनाएं 13 के करीब योजनाएं हैं, और उन योजनाओं की जानकारी ही नहीं है, वो लोग अपने आप को रजिस्टर करवा ही नहीं पा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बहुत सी सुविधाओं से जो है वो वंचित वर्ग को जो है इन योजनाओं से जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी गंभीरता से श्रमिक कल्याण बोर्ड ने इन बातों को लिया, या हिमाचल सरकार ने जो है इन बातों को काफ़ी गंभीरता से सोचा समझा, और फिर इसे कहा गया कि एक कैंपेन मोड पे जो है इसको पूरे हिमाचल प्रदेश में ले जाया जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनों ने जो आमंत्रित की थी बोर्ड ने कि वो कौन काम करना चाहती हैं, उसमें मंडी की भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, और जन विकास साक्षरता एवं जन विकास समिति मंडी ने भी उसमें अप्लाई किया था, और हमें जो है वो ये योजना या ये प्रोजेक्ट जो है वो मिला है समिति को, क्योंकि समिति का अपना एक अच्छा रिकॉर्ड 1992 ऑनवार्ड जो रहा है। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।